तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बात करते हैं आज की वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे एयरफोर्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020, यानी कि जो आपने अभी एग्ज़ाम दिया है सितंबर में, अभी 2-4 दिन पहले आपके ख़त्म हुए, उससे रिलेटेड आपकी कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि आपकी फेज़ 1 में क्या कट ऑफ रह सकती है गाइस। तो ये एक अपना ओपिनियन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन माई जो मैंने रिसर्च करी है गाइस, एंड प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए, इन तीनों चीज़ को देखते हुए मैं आपके लिए ला रहा हूँ बिल्कुल एक कट ऑफ, ठीक है। जो कि आपका श्योर नहीं है कि 100% वही हो सकता है, पर हाँ मैं कह सकता हूँ 90% जो है आपका उसके करीब हो सकता है गाइज। ये अपना ओपिनियन है, जिसे समझ आए वो अपना लेना, जिसे ना समझ आए तो किसी पे थोपने वाली बात नहीं है गाइज, ठीक है। वो ज़बरदस्ती नहीं है कि इस वीडियो को देखे ही, ठीक है गाइज। तो मनमर्जी है अपना, मानने ना मानने वाली बात है, बस हम आपके साथ शेयर करें ताकि आपका थोड़ा जो है डाउट्स आपके क्लियर हो सके गाइज, ठीक है। इसी के हिसाब से अगर आपका इस जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, अगर आपका इसमें है तो मैं कह सकता हूं कि आप जो है फेज़ 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर थोड़ी बहुत चूक हो गई है आप लोगों से तो आप नेक्स्ट इनटेक की तैयारी अभी से शुरू कर देना, और दोनों चीज़ मेरे चैनल में आपको प्रोवाइड करी जाएगी गाइस, फेज़ 2 की भी और नेक्स्ट इनटेक की तैयारी भी अब हम अभी से शुरू कर देंगे गाइस, ठीक है। बाकी ज्वाइनिंग तक की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आप अगर देखना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लाइन बारी से, बिल्कुल ट्रेंडिंग के हिसाब से आपके बताएंगे कि किस तरह से आपको देखना है गाइस। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इनटेक 1 2019 की, जब फर्स्ट टाइम आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। उस समय ना आपकी नेगेटिव मार्किंग थी, पेपर भी इतना इजी था कि उन्होंने कट ऑफ जो थी 738x की कर दी थी और वाई की 36 कर दी थी। तो आप देख सकते हो अब तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो है इसमें एक्स की मान सकते हो सबसे हाईएस्ट गई थी गाइज। और इतनी हाई कट ऑफ करने के बाद भी फेज़ 1 में जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे वो 19,000 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई कर दिया था गाइज। तो आप देख सकते हो, मतलब इतनी हाई कट ऑफ के बाद भी 19,000 कैंडिडेट्स ने फेज़ 1 क्वालिफाई कर दिया था। और मैथ्स में जो 10 गई थी आपकी कट ऑफ, फिजिक्स में 10, इंग्लिश में 10 और रागा के 15 कर, और इसमें भी अच्छी कट ऑफ की गई थी, जिसके बावजूद भी 19,000 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई करा था। तो आप देख सकते हो किस तरह से इनका ट्रेंड अभी चेंज होता जाएगा गाइज। उसके बाद बात करते हैं हम इनटेक 2 2019 की। जब बात आती है आपकी नेगेटिव मार्किंग आई आपकी 0.25, जब आपका सेकेंड बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था गाइज। पेपर लेवल इन्होंने दिया उसमें मॉडरेट। अब तक बच्चे क्या थे, पहली बार जब इन्होंने ऑनलाइन देखा, अब जिनके 50%, जिनके ऐसे 12th में 55%, 54% जो एलिजिबल हुए इसके बावजूद भी, ठीक है। अब जिन्होंने पहली बार ऑनलाइन इनटेक 1 2019 देखा, ठीक है, उन्हें क्या लगा एक बार पेपर बिल्कुल आसान होगा, ठीक होगा। जब सेकेंड बार वो बंदे जो ट्राई करके गए और जो नए बंदे भी आए जो उन्होंने पिछली बार का जो रिव्यू देखा होगा गाइज, ठीक है, उस समय क्या हुआ, इन्हें एक जोर का झटका लगा गाइज। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर पेपर लेवल मॉडरेट 0.25 नेगेटिव मार्किंग हो गई थी, और ये पहले ही पता चल गया था 0.25 मार्किंग होने वाली है आप लोगों की। उस समय में आपकी कट ऑफ इतनी कम कर दी गई 27.5 और 32.75 वाई की, पर उसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि इतनी कम कट ऑफ करने के बाद भी 12,500 से 13,000 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए थे फेज़ 1 को। और आप प्रीवियस जो मैंने आपको बताया अभी, उसमें आपकी 38x की कर दी थी गाइज, जिसके बावजूद भी 19,000 कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई कर गए थे एक्स प्लस वाई मिला के, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस एक बारी में आया नेगेटिव मार्किंग की वजह से और पेपर लेवल जो इन्होंने चेंज करा गाइज, ठीक है। इंडिविजुअल की बात करें, मैथ्स में 8 नंबर आए थे उस समय, फिजिक्स में 8, इंग्लिश में 10 और रागा में 15 आए थे गाइज। उसके बाद देखिए गाइज, जब आया आपका इनटेक 1 2020, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग आपका वही सेम 0.25, पेपर लेवल आपका उस समय इजी था। तो सबसे पहले आप देखिए, जब आपका पहली बार ऑनलाइन हुआ 1 2019 में, पेपर इजी था, कट ऑफ भी अच्छा खासा हाई ले गई है, ठीक है। उस समय आपकी जो ईच सब्जेक्ट की कट ऑफ थी जब स्टार्टिंग में पहली बार ऑनलाइन हुआ, तो 10 था फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी 10 और इसमें भी 10, और वो भी ईजी था, ये वाला भी ईजी था, ठीक है। तो इनका क्या है, जो पहला इनटेक है आप ऑब्जर्व करो, यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि पहला इनटेक जो होता है साल का, ठीक है, उसमें इनका पेपर हमेशा इजी रहता है, और जो जैसे आपका विंटर टाइम में जो अब हुआ पेपर उनका, उसके मुकाबले थोड़ा मॉडरेट रखते हैं। और इस साल भी गाइज ऐसा हुआ, अभी आपने जैसे कि मैंने प्रीवियस आपने देखा 1 2019 में पेपर ईजी मैंने आपको बताया अभी, जैसे पहली बार ऑनलाइन हुआ था। उसके बाद आपने देखा 1 2 2019 की बात करें तो उसमें आपका मॉडरेट पेपर था, जिसमें आपकी 27.25 कट ऑफ अभी आप देख सकते हो प्रीवियस उस करके, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका ये देख सकते हो, इसमें फिर आपका पेपर इजी था, क्योंकि ये भी हमारा 1 2020 का आ गया, स्टार्टिंग का पेपर आ गया मार्च के टाइम का। इस समय यानी कि एक हमें एक अंदाज़ा लग गया ट्रेंड, जो पेपर होता है इसके मुकाबले ईजी आता है, कट ऑफ
हाई जाता है जरूर, ठीक है, पर पेपर इजी आता है गाइस। अब जैसे कि आप देख सकते हो, फिजिक्स में 10 था आपका, प्रीवियस इनटेक की बात कर रहा हूँ मैं, 1 2020, और मैथ्स में 10, इंग्लिश में 10, ठीक है गाइस। तो ये आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से इनका एक ट्रेंड चला रहा है। आई होप अब तक आप समझ रहे होगे मेरी बात। और एक डाउट और मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों का। कोई कहता है कि जैसे कि मैंने एक्स और वाई दोनों भरा था, तो ये कंपलसरी है कि हमें एक्स और वाई दोनों क्वालिफाई करना है? नहीं गाइज, आपको ज़रूरी नहीं है कि दोनों क्वालिफाई करना है। अगर आप एक भी क्वालिफाई कर देते हो एक्स या वाई, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बस आपको कट ऑफ अच्छे से क्रॉस करनी है। तो कंपलसरी नहीं है कि आपको एक्स एंड वाई दोनों क्वालिफाई करना है, ठीक है। अगर आप आपके पास फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है और रागा है, अगर आप इंग्लिश प्लस रागा को अच्छे से कर जाते हो, क्रॉस कर जाते हो कट ऑफ, तो आपका वाई ग्रुप क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश को अच्छे से कट ऑफ क्रॉस कर देते हो, ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी कट ऑफ और ओवरऑल सब्जेक्ट में भी आप कट ऑफ क्रॉस कर सकते हो प्लस मिला के ओवरऑल, तो आपका एक्स ग्रुप हो जाएगा। बाकी अगर आपका दोनों ही क्रॉस हो जाए, तो उससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती गाइस। अब बात करते हैं इस बार की कट ऑफ की, जिसका आपको इंतजार है गाइस, ठीक है। तो प्रीवियस ट्रेंड आप समझ गए होगे अब तक, उसकी बेस पर हम डिपेंड करेंगे अब आपका इस बार की कट ऑफ क्या होगी गाइस। आई होप आपको पसंद आएगा। तो उसी के बेस पर गाइस आप देख सकते हैं कि मैं इस बार का कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। और मैं आपको साथ साथ सारे मैंने आपको ट्रेंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरह से हमें देख रहे हैं हम कट ऑफ को, किस तरह से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है गाइस, उसी के हिसाब से, ताकि मैं नहीं ये आप भी मेरे साथ प्रेडिक्शन कर सको साथ साथ गाइस, ठीक है। तो ये हमने, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरह से मैंने आपको बताया एक तरह से ट्रेंड जो इनका चल रहा है और पेपर के हिसाब से गाइस, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग संतुष्ट हो गए। अब देखते हैं कट ऑफ। देखिए बात करते हैं सबसे पहले, अगर पेपर की बात करी जाए, इंग्लिश का पेपर वेरी इजी पेपर, सिंपल पेपर था, इजी पेपर था कह सकते हैं हम। बात करें अगर मैथ्स के पेपर की, मैथ्स का पेपर लेंदी था थोड़ा, अकॉर्डिंग टू जो मेजर कैंडिडेट्स जो बोलते हैं कि पेपर जो था इस बार का लेंदी था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगर फिजिक्स की, ठीक है, अब लेंदी का मतलब ये है कि काफ़ी कैंडिडेट्स के क्वेश्चन भी छूट गए होंगे इसमें, ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपका जो आधा पेपर मान के चलो न्यूमेरिकल आया था, ठीक है, जैसे कि काफ़ी कैंडिडेट जो मेजरिटी कैंडिडेट्स बता रहे हैं उनके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ठीक है गाइस, और आधा जो आपका था न्यूमेरिकल बेस पेपर था, आधा थियोरेटिकल बेस पेपर था आपका, ठीक है। और रागा की बात करें तो रागा का पेपर आपका, अब कह सकते हैं रागा में करंट अफेयर्स, अब कुछ आपके जैसे एग्ज़ाम हुए थे अभी, तो किसी दिन आपका आया करेंसी भी पूछी गई, आपका कैपिटल भी पूछा गया, और किसी दिन कुछ भी नहीं पूछा गया गाइस। तो ये हर उसमें चेंज हुआ थोड़ा बहुत, जो कि थोड़ा बहुत अगर हो सकता है तो बाई चांस क्या पता नॉर्मलाइजेशन हो के सबका बैलेंस भी हो जाए, क्योंकि कह सकते हैं किसी का टफ भी आया था और किसी का आसान पेपर भी आया था गाइस, ठीक है। तो ये भी हमारा चल रहा था, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट का देख रहे थे हम, जैसे कि बहुत ही आसान पेपर हमें लग रहा था गाइस। उसके बाद जैसे आपकी शिफ्ट दिन की हो या हो, तो थोड़ा हल्का पुल्का सा डिफरेंस था, लेंदी था पेपर, हार्ड भी हम नहीं कह सकते गाइस, नॉर्मल था एक तरह से, ठीक है। तो उसी के बेस पे हम डिपेंड करते हैं, अब देखते क्या कि हम किस तरह से हम इसे कट ऑफ को देखेंगे गाइज। तो अब ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बता दिया, किस तरह से हमने पूरा पीछे से लेके हमने जो ट्रेंड चला रहा है, किस इनटेक में कैसा रहा, ठीक है। तो जैसे हमने पहले इनटेक की आपको बात करी, उस समय इजी पेपर था, कट ऑफ हाई गया, जो साल के स्टार्टिंग में होता है मार्च में, ठीक है। फिर आपकी आई बात 1/2/2019 की, जब आपका हुआ सितंबर में, उसमें आपका पेपर मॉडरेट लेवल का आया, कट ऑफ भी कम कर दिया आपका बहुत, फिर भी बच्चे कम क्वालिफाई हुए, ठीक है। फिर आई बात आपकी 1/2020 की, जो कि आपका प्रीवियस इनटेक था और साल के ये मार्च में हुआ था इस साल, ठीक है। उसमें आप देख सकते हो आपका बहुत इजी पेपर था, कट ऑफ 36 के आसपास आपकी पहुंचा दी थी इन्होंने गाइज, ठीक है। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी आपने देखा 10-10 नंबर थे सारे में, जहाँ इजी पेपर था, जैसे आप इसमें देख सकते हो, इसमें भी सारे सब्जेक्ट्स में 10-10-10 थे, बस रागा में 15 थे। इसमें भी सारे सब्जेक्ट्स में 10-10-10 थे पर रागा में 15 थे। इसमें आपके 8 8 और कह सकते हैं हम, और हमारा इंग्लिश में 10 थे और रागा में 15 थे। तो इसी बार जैसे कि हम देख लेंगे गाइज, आपका इस बार जो है पेपर, इस बार भी नॉर्मल पेपर आया, तो आप देख सकते हैं ये ऑल्टरनेट चल रहा है आपका सीरीज सीन, ठीक है, सारा सीन जो है आपका ऑल्टरनेट चल रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ये मेरा अपना अंदाजा नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसमें थोड़ा समझ सके कैसे हमने अंदाज़ा लगाया गाइज, ठीक है। तो देखिए इसमें अब इस बार का हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देते हैं, जैसे कि पेपर नॉर्मल था एज़ कम्पेयर टू ऑल्टरनेट, जैसे आपका चल रहा है एक छोड़ के एक। तो देखिए अब जो बात करते हैं आपके कट ऑफ की, मेरे हिसाब से,
ठीक है, जाकि जो मैंने आपको सबके हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, आई होप आप लोग भी इससे सहमत हो गए गाइस। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं अगर हम मैथ्स की, तो मैथ्स में मेरे हिसाब से नॉर्मल पेपर था आपका, जो मैथ्स का इंडिविजुअल जाना चाहिए 8 नंबर जाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से हम देख रहे हैं। ठीक है गाइस, और जैसे कि आपका आया भी है रिज़ल्ट, फिजिक्स का देख रहे हैं, फिजिक्स का अगर हम देखें मेरे हिसाब से इसमें भी 8 होना चाहिए। एंड अगर इंग्लिश का हम देखते हैं तो इंग्लिश का बहुत इजी पेपर था जैसे सबको पता है, तो 10 मिनिमम हम मान के चलते हैं, इसमें 10 आपका होने चाहिए। तो ये हो गई आपकी 8 8 10 जो है आपकी एक्स ग्रुप की इंडिविजुअल, यानी कि ओवरऑल 28 नंबर आपके सिर्फ होने चाहिए, इतने ईच सब्जेक्ट में आपके क्वालिफाई होने चाहिए। 8 नंबर फिजिक्स में, 8 नंबर क्वालिफाई होने चाहिए इंग्लिश में, 10 नंबर क्वालिफाई होने चाहिए गाइस। ठीक है, अगर बात करें हम रागा की, तो रागा का आप देख सकते हो जितनी बार भी आपका पेपर हुआ सब में 15 ही कट ऑफ गया है, 15 से एक ना ऊपर बढ़ा है ना नीचे घटा है गाइस। ठीक है, और पेपर हर बार का सेम सीन रहता है, मैं कह दूँ आपको रागा का हर बार बच्चों का छोड़ता भी है, बच्चों को लेंदी भी लगता है, बच्चे कर भी लेते हैं पेपर को, और जनरल इवेंट नाइस करंट अफेयर जिसने अच्छे से पढ़ी हो तो वो तो कामयाब होकर रहता है गाइस। ठीक है, तो इसमें आपका एक्सपेक्टेड इस बार भी यही है मेरा कि 15 ही रहेगा, इसमें बैलेंस रहना चाहिए ये चीज़ भी। तो कट ऑफ आपको पता चल गई होगी, जो आपका रागा है रागा में 15, मैथ्स में 8 8, फिजिक्स में 8, और अगर हम देखें आपका इंग्लिश में तो इंग्लिश का इजी था पेपर 10 नंबर। तो ये आपका इंडिविजुअल कट ऑफ हो गई है गाइस। बात करें ओवरऑल की कट ऑफ कहाँ से कहाँ आपकी रेंज चेंज होगी, अब हम देखते हैं वो गाइस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा मेरा पूरा ट्रेंड किस तरह से मैंने आपको समझाया, कहीं आपको कन्फ्यूजन में रखना नहीं चाहता गाइस, बाकी आपकी मर्जी है, आप मेरी बात मानो या ना मानो वो आप पे किसी पे थोपने वाली बात नहीं है गाइस, फिर बोल रहा हूँ आपको। तो बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, जो कि जिसका आपको इंतजार था। तो एक्स की मैं कहना चाहूँगा जो आपकी एक्स की कट ऑफ होगी बेस्ड ऑन जो मैंने आपको जैसा पूरा समझा दिया, मैंने आपको पूरा प्रोसेस ठीक है किस तरह से हमने देखा है और आप भी समझ गए होगे और अपना आप भी आपने अंदाज़ा लगा दिया होगा अब तक गाइस। तो 31.5 से लेके 35.5 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है गाइस एक्स ग्रुप की, याद रखना इस चीज़ को, चाहे स्क्रीन शॉट ले लो आप, चीज़ कह सकता हूँ 90% केस में आपका ये सही हो जाएगा गाइस। ठीक है, बाकी वाई की बात करें तो वाई की जो आपकी कट ऑफ जा सकती है वो है आपकी, जैसे आपका इंग्लिश का पेपर इजी था और रागा का लेंदी या ठीक भी कह सकते हैं नॉर्मल पेपर था, तो 33.5 से लेके मेरे हिसाब से 37 तक आपकी कट ऑफ जाएगी गाइस। ठीक है, तो इस चीज़ को चाहे आप स्क्रीन शॉट ले लो, जब आपका रिजल्ट आए तब आप बात कर सकते हो मेरे साथ, पर अभी जिसे समझ ना आए या बाद में या जो भी है, अगर जो सहमत हो अच्छी बात है गाइस, पर जो सहमत नहीं है ठीक है वो इस चीज़ को अपने पूरे दिमाग से निकाल सकता है, कोई ज़बरदस्ती थोपने वाली बात नहीं है गाइस। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब वो किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है इस बारे में, कोई वो नहीं करना है। ठीक है, अपना आपका ओपिनियन है, मैंने अपना ओपिनियन रखा, आपको समझाया भी है साथ में, आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा। तो मैं कह सकता हूँ जिनके इसके बीच में नंबर है 31.5 से 35.5 के बीच, तो आप लोग जो है फेज टू की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, या वाई ग्रुप में 33.5 से लेकर 37 तक है तो फेज़ टू की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं अगर आप फेज़ टू की तैयारी अभी नहीं भी कर रहे हो, पर बेसिकली भाई रनिंग तो अभी करना शुरू कर दो गाइस, क्योंकि रनिंग एक हफ्ते का खेल नहीं है। जब आपका फेज़ टू का आपका रिजल्ट आएगा अभी, ठीक है, रिजल्ट आपका मैं बता दूं आपको 22 से 25 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, बेसिकली जो है आपका कह सकते हैं 15 से 20 अक्टूबर के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो कुछ इसके बीच में आपका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, और तो आपका जो फेज़ टू होगा वो एक हफ्ते बाद की भी डेट मिल सकती है और एक महीने बाद की भी, तो डिपेंड करता है अब आपका कब आ जाए, लक की बात है ये गाइस। ठीक है, क्योंकि एक महीने तक आपका फेज़ टू चलता रहेगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जो है अप्रोक्स 13 से 14 हज़ार कैंडिडेट फेज़ वन क्लियर करते ही करते हैं। ठीक है, तो तभी मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आपको लग रहा है उसके बीच में आपकी कट ऑफ आ रही है जितनी मैंने आपको बताई, एक्स की 31.5 से लेकर 35.5 और वाई की 33.5 से लेकर 37 तक, तो रनिंग अभी से करना शुरू कर दो डेली। मैंने आपको बताया फेज़ टू की वीडियो मैंने आपको डाल दिए, कल अपलोड करी थी, नहीं देखी तो जल्दी जाके देख लो चैनल पे, आपको ऊपर ही मिल जाएगी गाइज। ठीक है, तो पूरा प्रोसीजर उसमें बता दिया है मैंने। तो बाकी एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो आपका नेक्स्ट इनटेक के, जैसे कि आपको मैंने बता दिया नेक्स्ट इनटेक की तैयारी अब आप शुरू कर सकते हो करनी, जिसे हल्का फुल्का डाउट है ठीक है गाइज, बाकी जो और नीचे है उनका तो फिर उन्हें करनी ही चाहिए, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है अपने हिसाब से आप दिमाग चल सकते हो, बाकी हमारा ये था आपको समझाना, हमने समझाया गाइज। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और वगैरह आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट इनटेक का, जो आपकी नेक्स्ट इनटेक की वैकेंसी आएगी वो आपकी दिसंबर से जनवरी में आपकी आ जाएगी, शायद दिसंबर सेकंड वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका। ठीक है, और आपका जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी आपके भरने के लिए, उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा हम कह सकते हैं 1 2021 का,
ठीक है, वो मार्च में सेकंड वीक में आपका हर बार जैसे कि एग्ज़ाम होता है, हमेशा डेट जो पड़ती है 11 से 20 के बीच पड़ती है या 20 से 25 के बीच, ऐसे आपकी डेट पड़ती है मार्च में, ठीक है, तब आपका एग्ज़ाम होगा गाइज़। उसके बाद वही आपका प्रोसेस, अब देखते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो है, मैं आपको कन्फर्म, आपको बात करें मंथ की, तो जनवरी से आपकी 2000, जनवरी 2000 से लेके और आपकी जो है जनवरी 2004 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आप इसके बीच में हो तो आप दे सकते हो, वरना अब आप थोड़ा इससे बाहर हो गए गाइस। ठीक है, घबराने का नहीं है बिल्कुल भी, आपके और फॉर्म भी आते रहते हैं, आप आगे अब ऑफिसर लेवल पर ट्राई कर सकते हो अपना ग्रेजुएशन करके। ठीक है, बाकी आप अगर इसमें हो तो मुझे बताना आपको तैयारी कब से शुरू करनी है, हम अब तैयारी करना शुरू कर देंगे इनटेक 2020 की अभी से गाइस। ठीक है, जैसे कि 6 महीने, 6 महीने में हम बिल्कुल डेफिनेटली 2-3 बार कोर्स पूरा कर देंगे। बाकी फेज टू से रिलेटेड मटेरियल भी आपको मिलता रहेगा। तो धन्यवाद, आज की वीडियो के इतना इतना ही आपके लिए, आई होप आप लोग सहमत हो गए।